बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। टुडे आवर टॉपिक इज सेल वॉल, इट्स स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स। ये इसकी आउटलाइन है बच्चे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन, देन इट्स अक्रेंस, कंपोजिशन एंड जनरल फंक्शंस, देन टाइप्स, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, एंड इट्स लोकेशन, कंपोजिशन एंड सिग्निफिकेंस। ये हम हर एक के अंदर पढ़ेंगे, ये आउटलाइन है, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स डेफिनेशन, दैट व्हाट द सेल वॉल इज। इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड सेमी ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अ सेल एक्सेप्ट द एनिमल एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इज नोन एज सेल वॉल। मीन्स ये हमारे पास नॉन लिविंग है। पहली चीज क्या है कि नॉन लिविंग है। अगर ये लिविंग होती है तो इसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती, बट ये नॉन लिविंग है, इसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। बट कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जो है वो लिविंग भी है, कि कुछ इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बट स्टिल इट इज़ अ मिस्ट्री, ठीक है? तो हम इसके अंदर नहीं जाते। सेकेंड, इट इज़ अ रिजिड। रिजिड मीन कैन नॉट डिफॉर्म। ये जो है वो डिफॉर्म नहीं होती, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि ये रिजिड है, स्ट्रांग है। नेक्स्ट वन इज सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट मीन इट अलाउ सम सब्सटेंसेस टू इंटर इन इट एंड डजंट अलाउ सम सब्सटेंसेस टू इंटर इन इट, ठीक है? मे बी कुछ सब्सटेंसेस के अंदर से जा सकते हैं और कुछ सब्सटेंसेस के अंदर से नहीं जा सकते, सेमी मीन्स। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव, बिकॉज इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर एंड यू नो वेरी वेल दैट इफ़ यू टॉक अबाउट आवर बॉडी दैट स्किन इज द आउटर मोस्ट लेयर इन आवर बॉडी, सो इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। सेम इसी तरह हमारे पास जो है ये भी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, ठीक है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स, और ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, बट अपने माइंड में ये चीज़ बिठा दें, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है? ये एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है, या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं? ये सिंपल यूकेरियोट्स होते हैं, और इन ये जो है वो इसके अंदर हमारे पास प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, एमीबा पैरामीशियम, उसके अंदर ये एब्सेंट होती है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ अक्रेंस, ये प्लांट्स के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है, प्रोकैरियोट्स दैट इज बैक्टीरिया के अंदर होती है, और मैनी प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है जी। ओके, प्रोटिस्ट की अगर बात की जाए तो प्रोटिस्ट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो हैं वो प्रोटिस्ट हमारे पास जो हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? तो उनके अंदर ये जो है वो प्रेजेंट होती है। और कौन कौन से प्रोटिस्ट के अंदर? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर होगी, ठीक है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर एब्सेंट होती है। इफ यू टॉक अबाउट कंपोजिशन, सो इट इज़ अ प्लांट सेल वॉल, सो इट इज़ मेड अप ऑफ, इफ इट इज़ इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, देन इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज से मिलकर बनेगी। अगर फंगस की ये सेल के अंदर प्रेजेंट होगी तो ये काइटन से मिलकर बनेगी, ठीक है? और अगर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होगी ये सेल वॉल, तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनेगी। पेप्टिडोग्लाइकेन हमारे पास इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ टू वर्ड। पेप्टिडो मीन अमाइनो एसिड्स एंड ग्लाइकेन मीन कार्बोहाइड्रेट। तो जब इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन आते हैं, वी कॉल्ड इट म्यूरिन। जनरल फंक्शंस की बात की जाए तो ये सपोर्ट करती है सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट काम करती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? देखें, अगर हम आपने पढ़ा होगा वैसे भी कि सेंट्रल वेक्यूल प्रेजेंट होता है और सेल के अंदर, और उसके अंदर जो है वाटर फिल्ड अप हो जाता है, तो एक प्रेशर एग्जर्ट होता है हमें ब्रेन के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड अ टर्गर प्रेशर। तो इसी तरह प्लांट सेल के आउटसाइड पे ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और अगर ये प्रेजेंट ना हो तो जो टर्गर प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल जो है वो जब एग्जर्ट हो तो एट दैट टाइम पे सेल रप्चर हो जाए। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से हमारे पास जो टर्गर प्रेशर है वो रिजिस्ट करती है उसको, और उसकी वजह से सेल बर्स्ट अप नहीं होता, ठीक है? इसके अलावा जो है फिज़िकल बैरियर का काम करती है, कि जैसे हमारी स्किन फिज़िकल बैरियर का काम कर रही है और एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़ कोई पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसको रोकती है, सेम हमारे पास जो है वो जो सेल वॉल है वो भी इसी तरह काम करती है, कि ये अगेंस्ट द पैथोजन काम करती है और उनके खिलाफ जो है वो, ठीक है, कोई भी बाहर से पैथोजन जो है वो आ जाएँ तो उनको, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन मीन अ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर कॉल्ड पैथोजन, तो उनके खिलाफ काम करती है, ठीक है? इसके अलावा सेल टू सेल इंट्रैक्शन का काम करती है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल टू सेल इंट्रैक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा इज़ नथिंग, दीज आर जस्ट अ स्मॉल पिट्स एंड ओपनिंग और डिप्रेशंस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल,
हैविंग अ पोर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर से जो है वो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस होता है, तो उसके अंदर ये काम करती है। पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोर्स, पिट्स, ये मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, फॉर्मेशन, इट इज़ मेड बाय अ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल से बनती है। सो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, ये हमेशा एमसीक्यू के अंदर आता है। प्रोटोप्लाज्म इज़ अ लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। प्रोटोप्लाज्म इज़ मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म है पूरे सेल का जो कंटेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्म। और वो किससे मिलकर बनता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। और हमारे पास साइटोप्लाज्म बाहर वाला, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर वाला जितना भी मटीरियल होता है दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। सो द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ प्रोटोप्लाज्म। तो हमने कहा कि ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बनती है। प्रोटोप्लाज्म से किस तरह मिलकर बनती है कि खुद सेल अपनी सेल वॉल बनाता है। कब बनाता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इतना बता दूं कि जब हमारे पास साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है, ठीक है, माइटोसिस के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो अपने वेसिकल्स को वहाँ से केमिकल जो है वो रिलीज़ करती हैं गोल्जी अपरेटस, और वहाँ पे जो है हमारे पास वो सेल वॉल बन जाती है। प्लांट सेल वॉल डिस्कवरी की बात कीजिए, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई अ रॉबर्ट हुक इन 1665। इट इज़ प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। इट डिवाइडेड इन टू अ थ्री मेन टाइप्स। द फर्स्ट वन इज मेड लैमेला, द सेकेंड वन इज प्राइमरी सेल वॉल, एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, देन मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल, इन तीनों की हम बात करेंगे वन बाय वन, और इनके अंदर हम लोकेशन, कॉम्पोजिशन एंड सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, ठीक है। ओके, ये तो पार्ट वन था लेक्चर का, अभी मैं पार्ट टू के अंदर आपको बताती हूँ, एक एक को डिस्कस करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड साउंड एट योर होम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज साइटोप्लाज्म। सो द रिव्यू ऑन अ साइटोप्लाज्म, इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्स अ सेल। इट इज मेड अप ऑफ अ मोस्टली वाटर एंड सॉल्ट। इट कंटेन अ मॉलिक्यूल्स सच एज एंजाइम्स। It is made up of 70 to 90% water and is colorless usually. If we talk about its discovery, so cytoplasm was discovered by Robert Brown in 1831, and in 1874 it received the actual name a cytoplasm. If we talk about its word history, so it is a Greek word literally meaning cyto mean of cell and plasma mean a living gel. We can call it the living gel of a cell. Okay, so what exactly is the cytoplasm? It is basically everything within the cell excluding the nucleus. It is called a cytoplasm. If you can see a cell, it is everything within the cell excluding, mean removing the nucleus. कि आप न्यूक्लियस के अलावा बाकी बाहर सेल के बाहर जो कुछ भी देखते हैं न्यूक्लियस को छोड़ के उसके अलावा, दैट इज़ कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। इनसाइड द सेल माइनस न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म। इट इज़ मेड अप ऑफ अ थ्री कंपोनेंट्स, दीज आर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज, बिकॉज इट कम्पोज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनेलीज। हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं हम ये ऑर्गेनेलीज कहाँ पर नजर आती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। The second one is cytosol, it's another component, and the third one is inclusion. But before this, I'll tell you that what the cytoplasm is, a fluid portion of the cell that lying outside the nucleus and inside of the cell membrane. Okay? And it is the water substances. Cytoplasm is a water containing substance, and it contain a variety of organelles, insoluble waste that is urea, uric acid, storage products like lipid, hormones, etc. Okay? So first we talk about a membrane enclosed organelles. These are distributed throughout the cell cytoplasm. आपको पता है ये जो organelles हैं ये कहाँ पर present होती हैं, पूरे और पूरे cytoplasm के अंदर present होती हैं। They are each specialized to perform a different function. हर एक का different function होता है। If we talk about mitochondria, ribosomes और इसके अलावा जो है वो lysosomes और बहुत सारी जो है इनकी बात की जाए तो हर एक का अपना अलग function होता है और अलग स्ट्रक्चर होता है। एंड दीज आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। ओके, इफ़ यू कैन सी इन अ पिक्चर इन अ फर्स्ट डायग्राम, दीज ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम्स,
vesicles, endoplasmic reticulum, okay? If you can see the second pic or the second image, you can see a new term, that is a cytosol. So our next component of the cytoplasm is a cytosol. But before discussing a cytosol, you must know about what is the difference between a protoplasm and cytoplasm, because ye question aksar aata hai. To jab maine aapko protoplasm bataya tha, to maine aapko bataya tha the cytoplasm combines with nucleoplasm, as a result it forms a protoplasm. कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलके न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल प्लस जो सेल के अंदर का मटेरियल है न्यूक्लियस को छोड़ के, ये दोनों साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म हमारे पास एवरीथिंग विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट टर्म इज अ साइटोसोल, विच इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर साइटोप्लाज्म. सो वॉट द साइटोसोल इज, दिस इज अ जेरी लाइक सब्सटेंसेस दैट इज इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन दैट इज नॉट हेल्ड बाई ऑर्गेनेलीज इन साइड द सेल. कि हम जो जेली लाइक मटीरियल की बात करते हैं, that is enclosed within the cell membrane, जो cell membrane के अंदर होता है, और इसके अंदर और not held by organelles, और इसके अंदर organelles नहीं होती, that is called a cytosol. It is a complex mixture of a cytoskeleton filaments. Cytoskeleton filaments क्या होते हैं, ये आपकी एक organelle है, a network of the interconnected filaments, a microfilaments, some microtubules and the intermediate fibers. These are collectively called a cytoskeleton filaments. I'll tell you in your जो अगले वाले हमारे होंगे टॉपिक्स उनके अंदर, ठीक है. आई विल डिस्कस इट लेटर कि साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स क्या हैं आपके अगले लेक्चर्स के अंदर. तो हम कहते हैं हमारे पास जो साइटोसोल है वो जेल लाइक सब्सटेंस है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलीज नहीं होती. इसके अलावा अगर देखा जाए, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, इसके अंदर साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स होते हैं जो कि डिजॉल्व्ड, और इसके अलावा डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होते हैं, और इट इज़ द साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस दैट आर द फंडामेंटल टू द सेल एग्जिस्टेंस. और इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है. ओके, साइटोसोल द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, इट कंपोज ऑफ अ साइटोस्केलेटन फिलामेंट, दिस इज वॉट गिव द सेल इट्स शेप. जो सेल की शेप है वो साइटोसोल की ही वजह से होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन फिलामेंट दैट इज एक्टिन फिलामेंट. प्रोटीन फिलामेंट्स या प्रोटीन के स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक प्रोटीन होती है दैट इज एक्टिन प्रोटीन, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है. एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है हमारे पास पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन है, ऑर्गेनेली का पार्ट है. और ऑर्गेनेली कौन सी है, साइटोस्केलेटन, ठीक है. वाटर, 70% ऑफ द साइटोसोल इज मेड अप ऑफ वाटर. जो 70% हमारे पास साइटोसोल है वो किसके अंदर जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है, वाटर से. इट कंटेन डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स, दिस इज स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड डिजॉल्व आइंस. इसके अलावा इंजाइम्स, फैटी एसिड्स, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स, दीज आर यूज्ड टू कीप द सेल वर्किंग. ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल के अंदर, ठीक है. और इसके अलावा जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट अनटिल रिमूव्ड, तक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो रिमूव नहीं होते, वो भी साइटोसोल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो आप देख सकते हैं एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म. साइटोसोल अ फ्लूइड इनसाइड द सेल, एवरीथिंग फ्लोट्स इन इट, मोस्टली वाटर, अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. ये सारे इसके पॉइंट्स हैं. ये साइटोसोल क्या है, फ्लूड है सेल के अंदर का, हर चीज़ इसके अंदर फ्लोट कर रही होती है, मोस्टली वाटर, वाटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और ये पार्ट है किसका, साइटोप्लाज्म का. हम कह सकते हैं साइटोसोल इज़ अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है. आप ये डायग्राम ही देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली के अंदर आपको साइटोसोल नज़र आती है, फ्लूड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, और सेकंड वाली के अंदर आपको साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, इट इज़ अ सेल कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. Okay. Cytosol and cytoplasm, you can see it in a diagram. Cytosol. A cytoplasm refers to the jelly-like material with organelles in it. If organelles were removed, the soluble part that would be left is called a cytosol. It consists mainly of water with dissolved substances such as amino acid. Okay, the second component is inclusions. These are stored nutrients, crystals, secretory products and pigment granules. These are accumulation of the material that is not metabolically active. और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और क्रिस्टल वगैरह होते हैं, दे आर यूजली प्रेजेंट इन द साइटोसोल ओनली टेम्प्रेरी, कुछ टाइम के लिए इंक्लूजन्स होती हैं, और ये नॉन सॉल्युबल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ठीक है, इंक्लूजन.
अगर हम बात करें साइटोसोल की, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आइंस में फॉर्म दिस ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन होता है? ट्रू सॉल्यूशन मीन 100% डिसॉल्व इन वाटर। व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ फ्री सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन? बिकॉज इट इज़ 100% डिसॉल्व इन वाटर। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो साइटोसोल होता है उसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स आयंस जो सॉरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास सोल आ जाता है, दैट इज़ ऐसा सॉल्यूशन दैट मे बी अ सोल या साइटोसोल, दैट इज़ अ नॉन विस्कस, दैट इज़ अ लिक्विड टाइप। और दूसरा आ जाएगा साइटोजेल। हम साइटो इसलिए लगाते हैं बिकॉज इट कम फ्रॉम अ साइटोप्लाज्म, इट इज़ अ जेल लाइक और द विस्कस मटीरियल। ठीक है, ऑफन द आउटर रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज मोर जेल लाइक। इस बात का क्या मतलब है? ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है साइटोसोल के अंदर हम कहते हैं कि 90% जो है वो साइटोप्लाज्म वो साइटोसोल पे डिपेंड करता है। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट फ्री सॉल्यूशन आता है जिसके अंदर आयंस वगैरह आते हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन भी दो तरह का होता है, सोल और जेल, तो हम इसको साइटोसोल भी कह सकते हैं, साइटोजेल भी कह सकते हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट अ साइटोसोल, तो इट इज़ नॉन विस्कस फ्लूइड और द सॉल्यूशन। नॉन विस्कस मीन के हमारे पास ऐसा जो कि रिजिस्ट नहीं करता, ठीक है, रिजिस्ट टू इट्स फ्लोज, दिस इज़ कॉल्ड अ नॉन विस्कस। और साइटोजेल इट इज़ अ जेली लाइक और विस्कस, रिजिस्टेंस टू इट्स फ्लो। ठीक है, तो हम कहते हैं ये विस्कस जेली लाइक मटीरियल होता है और दूसरी तरफ ये होता है। ठीक है, तो अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसका जो आउटर रीजन होता है वो जेली लाइक होता है, तो हम आउटर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कह सकते हैं साइटोजेल, और इनर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कह सकते हैं साइटोसोल। ठीक है, ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ साइटोसोल एंड द साइटोजेल? द इनर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दैट इज लेस विस्कस, आर कॉल्ड अ साइटोसोल। एंड साइटोजेल द पेरिफेरल पार्ट, सरफेस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज अ मोर विस्कस, दिस इज कॉल्ड अ साइटोजेल। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हम कहते हैं इट होल्ड्स द इंटरनल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल इन द प्लेस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। इंटरनल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी तीन हमने पढ़े, इंक्लुएंस पढ़े, इसके अलावा जो है वो ऑर्गेनेलीज पढ़ी, और साथ हमने साइटोसोल पढ़ा, ये सारे के सारे जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको होल्ड करता है। इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, डैमेज से बचाता है, सेलुलर प्रोसेस जितने भी हो रहे होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सेलुलर रिस्पिरेशन का पार्ट है, एरोबिकली भी हो रहा होता है, एनरोबिकली भी हो रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज टूटता है पाइरूवेट के अंदर, आप नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत आपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़े वो हो रहा होता है। और इसके अलावा एज वेल एज द होस्ट मेनी ऑफ दीज प्रोसेस विद इन द सेल इटसेल्फ, इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, प्रोवाइड मीडियम टू ऑर्गेनेली, अ साइट ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे, दैट इज़ अ ग्लाइकोलाइसिस। इसके अलावा जो इसका साइटोस्केलेटन है वो मेंटेन करता है इसकी शेप को। एक और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपकी बुक के अंदर है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस हम कहते हैं कि जस्ट मूवमेंट होना, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो जो है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करते हैं, बार बार जो है वो अपनी इन्हीं साइटोसोल और साइटोजेल की वजह से अपनी जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, और बार बार जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो मूव कर रहा होता है। तो जब वो साइटोप्लाज्म अपनी जो है वो मूवमेंट शो करता है तो वो किसकी वजह से कर रहा होता है, तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि साइटोस्केलेटन की वजह से करता है, जो कि नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, कुछ टाइम के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, इसके अलावा जो है स्टोर हाउस है वेरियस केमिकल का। ठीक है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर होती है, ग्लूकोज सिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, और इट गिव्स शेप टू द सेल। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं इसके अंदर वो भी जो है वो इसको शेप देते हैं और साइक्लोसिस का प्रोसेस करते हैं, मूवमेंट हो रही होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे किसके फंक्शन आ गए हमारे पास? साइटोप्लाज्म के फंक्शन आ गए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। Thank you for listening. Allah Hafiz.